हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग पर। यहाँ पर हम राजस्थान बोर्ड की बुक्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कंप्लीट करने वाले हैं। मैंने सिक्स क्लास से चालू करा है, सिक्स टू टेंथ में आपको पूरी बुक्स कवर करवाऊंगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। आप यकीन मानिए, आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता अगर वो राजस्थान की बोर्ड की बुक्स में से पुटअप हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर वन है, मैं एक टेस्ट ले चुकी हूँ, टेस्ट नंबर वन, वो आप देख लेना मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज टेस्ट नंबर टू है। तो क्वेश्चन नंबर वन है, पुराना किला कहाँ स्थित है? आगरा, रणथंबोर, दिल्ली या जयपुर? आंसर बताइए। जिसका आंसर है सी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर टू है, हस्तिनापुर किससे संबंधित है? हस्तिनापुर एक पुराने टाइम में हस्तिनापुर एक जगह का नाम था, वो किससे संबंधित है? ए मेरठ उत्तर प्रदेश, बी मेहरौली दिल्ली, सी बीकानेर राजस्थान या डी कर्नाटक। आंसर आपने सोच लिया होगा, मैं आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है ए मेरठ उत्तर प्रदेश। मेरठ उत्तर प्रदेश का ही प्राचीन काल में नाम हस्तिनापुर रखा गया था। अतिरंज खेड़ा का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर थ्री, अतिरंज खेड़ा का संबंध किससे है? ए कश्मीर, बी एटा उत्तर प्रदेश, सी जोधपुर राजस्थान या डी इनमें से कोई नहीं। अतिरंज खेड़ा का संबंध है वो किससे है? आपने सोच लिया होगा, मैं आंसर बता देती हूँ, बी एटा उत्तर प्रदेश। अतिरंज खेड़ा जो जगह है वो एटा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, उत्तर वैदिक युग में बर्तनों का रंग कैसा पाया गया है? दो काल हैं आपको पता है, एक तो ऋग्वैदिक काल जिसे वैदिक काल कहते हैं और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। उत्तर वैदिक काल में बर्तन किस तरह के पाए गए थे, उनका रंग किस तरह का पाया गया था? ए काला, बी नीला, सी पीला या डी धूसर लाल। इसका आंसर है डी धूसर लाल। उत्तर वैदिक काल में जो बर्तन थे उनका रंग था धूसर लाल। क्वेश्चन नंबर फाइव है, उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर पात्रों पर किस प्रकार की आकृति थी? जो पात्र पाए गए थे धूसर लाल, हमने ऊपर पढ़ा है, उन पर किस तरह की आकृति बनी हुई थी? ए गोलाकार आकृतियां बनी हुई थी, बी त्रिभुजाकार आकृतियां बनी हुई थी, सी सरल रेखाएं या ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई थी या डी ये सभी प्रकार की आकृतियां उन पर बनी हुई थी। आंसर सोचिए। आपने अगर राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़ी होंगी तो आपके आंसर आ चुका होगा माइंड में। मैं आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है सी सरल रेखाएं या ज्यामितीय आकृतियाँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, महाजनपदों का विकास कब हुआ था? ए 2500 साल पहले, बी 2300 साल पहले, सी 1000 वर्ष पूर्व या डी 5000 वर्ष पूर्व। देखिए, हर एक काल जैसे जनपद काल है, महाजनपद काल है, ऋग्वेदिक काल है, इन सबका एक टाइम पीरियड है। वो टाइम पीरियड पर्टिकुलर वो टाइम पीरियड कौन सा था? तो महाजनपद काल का इन्होंने टाइम पीरियड पूछा है, वो था 2500 साल पहले। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर ए 2500 साल पहले। क्वेश्चन नंबर सेवन है, राजधानी किसकी हुआ करती थी? मतलब राजधानी जब बनने लगी तो वो किसकी राजधानी, राजधानी की जब शुरुआत हुई बनने की तो वो किसकी राजधानी कहलाई, मतलब राजधानियाँ किस काल में बनना शुरू हुई, एग्जैक्टली ये पूछना चाह रहा है। तो हमारा ए है जनपद काल में शुरू हुई, बी गाँव की राजधानियाँ कहलाती थी, सी महाजनपद काल की या डी देश की। तो इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा सी, महाजनपदों में राजधानियाँ बनने लगी थी, महाजनपद काल में राजधानियाँ बनने लगी थी इसलिए महाजनपदों की राजधानियाँ कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर एट है, राजधानी की सुरक्षा उत्तर वैदिक युग में किस प्रकार की जाती थी? अब जो राजधानी बनाई गई थी उसकी सुरक्षा किस तरह से उत्तर वैदिक युग में लोग राजधानी की सुरक्षा किस तरह से किया करते थे? दीवार बनाकर, उसके चारों तरफ दीवार बना देते थे, बी बुर्ज बनाकर, या तो बुर्ज बनाकर जगह जगह पर बुर्ज बना देते थे, सी सिपाही तैनात करके उसके चारों तरफ सिपाही तैनात करते जाते थे या डी किलेबंदी द्वारा, या फिर किला बना दिया जाता था राजधानी के चारों तरफ। आंसर बताइए। इसका आंसर होगा डी किलेबंदी द्वारा। जो उत्तर वैदिक युग में राजधानियां बनाई जाती थी उनको किलेबंदी द्वारा सुरक्षित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर नाइन है, राजा सेना कब से रखने लगे थे?
जो राजा थे उन्होंने सेना रखना कब से स्टार्ट करा था? आपने अगर सभ्यताएं पढ़ी होंगी वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो आपको पता होगा कि पहले एक वक्त था जब कोई एक राजा नहीं होता था, राजा बहुत सारे होते थे, उनकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। जब आक्रमण होता था तो क्या करता था वो, जो भी एक लीडर चुन लिया जाता था, उस लीडर का साथ देने के लिए वहीं के लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो इस तरीके का सिस्टम उस टाइम चला करता था, लेकिन फिर एक वक्त आया जब एक प्रॉपर राजा बनता था और वो राजा अपनी सेना भी रखता था ताकि आक्रमण वगैरह जब हो तो उससे सुरक्षा की जा सके। तो वो कौन सा काल था, वो कौन सा समय था जब राजा अपनी सेना रखने लगे थे? ए ऋग्वैदिक काल से, बी महाजनपद काल से, सी वैदिक काल से, या डी जनपद काल से? बताइए राजा अपनी सेना कब से रखने लगे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी महाजनपद काल से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। महाजनपद काल में सिपाहियों को किस रूप में वेतन दिया जाता था? जो महाजनपद काल था उसमें सिपाहियों को किस तरह से वेतन दिया जाता था, जो काम किया जाता था उनके लिए जो उनको शुल्क दिया जाता था वो किस तरीके से दिया जाता था, वेतन किस तरीके से भुगतान जो उनका किया जाता था वो किस तरह से किया जाता था? क्या अनाज के रूप में वेतन दिया जाता था? ए ऑप्शन। बी सोने की मोहर के रूप में दिया जाता था, सी आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था, या इन सभी प्रकार से उनको वेतन दिया जाता था? तो आंसर बताइए, इसका आंसर होगा सी आहत सिक्कों के रूप में। मतलब महाजनपद काल में सिपाहियों को जो वेतन दिया जाता था वो आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौशाम्बी की दीवार कहाँ पर स्थित है? ए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बी मेहरौली दिल्ली में है, सी नागदा राजस्थान में है, या इनमें से किसी भी जगह नहीं है? आंसर बताइए। जो कौशाम्बी की दीवार है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12। महाजनपद काल में कर की वसूली कौन करता था? महाजनपद काल में कर की वसूली कौन करता था? ए सिपाही करते थे, बी राजा कर्मचारी नियुक्त करता था वो करते थे, सी जो पुरोहित हुआ करता था या राजपुरोहित हुआ करता था वो करता था, या राजा स्वयं करता था? बताइए। महाजनपद काल में कर की वसूली राजा स्वयं किया करते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी राजा स्वयं करता था। क्वेश्चन नंबर 13 है, महाजनपद काल में कौन से कर सबसे महत्वपूर्ण थे? महाजनपद काल में भी कई तरह के कर चला करते थे, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण कर कौन से माने जाते थे? ए जमीन पर लगाए गए कर, बी फसलों पर लगाए गए कर, सी विवाह के कर, विवाह आदि पर जैसे चमड़ी कर वगैरह चला करता था तो क्या वो था, डी व्यापारिक कर, क्या व्यापारिक कर थे, व्यापार जो लोग करते थे उनके ऊपर जो कर लगाया जाता था क्या वो था? बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी फसलों पर लगाए गए कर। महाजनपद काल में जो महत्वपूर्ण कर थे, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कर माने जाते थे, वो थे फसलों पर लगाए गए कर। क्वेश्चन नंबर 14 है, फसलों पर लगाए गए करों को क्या कहा जाता था? ए उगाई, बी बलात्, सी ए और बी दोनों, इन दोनों नामों से जाना जाता था, या डी भाग के नाम से जाना जाता था? बताइए आंसर। इसका आंसर है डी भाग के नाम से जाना जाता था। फसलों पर जो कर लगाया जाता था उसे भाग के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, फसलों पर लगाए गए कर का महाजनपद काल में कितना हिस्सा था? मतलब फसलों पर जो सबसे महत्वपूर्ण कर माना जाता था वो फसलों पर लगाया गया कर ही माना जाता था, तो उसका कितना हिस्सा निश्चित किया गया था? ए 1/5 कुल उपज का 1/5 भाग, बी कुल उपज का 1/6 भाग, सी कुल उपज का 1/3 भाग, या डी कुल उपज का 1/10 भाग? आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी 1/6। कुल उपज का 1/6 भाग फसलों पर कर के रूप में लिया जाता था महाजनपद काल में। ठीक है, तो आज का ये टेस्ट हमारा यहीं तक था। कल फिर मैं एक नए टेस्ट के साथ आपके सामने आऊँगी। और मेरा जो ये चैनल है, आप इसको प्लीज़ शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो आप इसे लाइक करें, और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।